सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज तो आप लोग देख रहे होंगे कि आंखों में काजल लगा हुआ है ना रिया? दिवाली की सुबह ना आंखों में काजल मिलता है सबके। तुम्हारे लगा है काजल? किसने लगाया था? मम्मी ने। तो गए थे। मस्त लग रहा है आ? मस्त लग रहा है, मस्त लग रहा है। पाया गया था क्या? हिंगा से लगाया गया था। तुम सो रही थी तब लाया था? हाँ। अरे दीदी के? दीदी दीदी भी सो रही थी। तो दिवाली के दूसरे दिन होता है गोवर्धन पूजा, तो वो बाहर पे गोबर से, गाय के गोबर वगैरह से बनाया जाता है ना बाहर। बनाया था तुमने? हाँ। तो वो तो बन चुका है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। मस्त बनता है उसमें, वो गाय के गोबर से ना बनाया जाता है सब कुछ, तो वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। दिखाओ, बाहर चल के दिखाएंगे ना। देख लो मम्मी, पूजा तो करी है तो पूजा करने लग रहा है, तो देखो पूजा तो करने लगे तो देखो तब मता दी की पिता की तो तीर के लेके रख रही है। तो भाई यार, पूजा वगैरह तो पूरी हो गई थी, फिलहाल तो अभी खाने का टाइम है, तो मैंने नहा लिया है पूरा, तो अभी खाना खाएंगे। फिलहाल खाने में तो आज बना है, क्या बना है? पूरी, खीर पूरी वगैरह ना, पर मेरे को खीर तो पसंद नहीं है, तो मैं तो कचौड़ी खाऊंगा। देख लो तो कचौड़ी, तो ये मेरी कचौड़ी रखी हुई है यहाँ पे, तो अभी खाएंगे कचौड़ी। तुम भी खाओगे? हाँ। ले सकती हो? कितनी लिया? सो गाइस, फाइनली हम लोग अपनी बाग में आ जाए हैं घूमने के लिए, तो हमारे साथ में अंशु भी है उधर पे, वो बाकी यहाँ पे तो मस्त बिल्कुल बोया हुआ था, अभी वहाँ पे भिंडियाँ वगैरह लगी हुई थी वहाँ पे, तो वहाँ पे अभी तो कट गई हैं। बाकी यहाँ पे जो है वो जो हरी हरी छोटी छोटी दिख रही ना, ये यहाँ से यहाँ तक पूरी ये धनिया बोई हुई है, अभी छोटी छोटी है। और यहाँ पे ये नींबू का पेड़ लगा हुआ है बहुत बड़ा सा, और इधर पे ये अमरूद का भी पेड़ लगा हुआ, उधर कुछ केले के पेड़ लगे हुए हैं, बाकी ये इधर पे करेला का पेड़ था, ये सूख गया पूरा, ये देखो ये तो पूरा सूख चुका है, इसको हटा देंगे। और यहाँ पे कुछ आम के पेड़ भी लगाए गए थे, तो वो तो ख़राब हो गए, बेकार हो गए थे शायद, एक दो लगे हैं कहीं, अभी दिखाते हैं एक वहाँ पे लगा है, दिखाते हैं आगे। देखें यहाँ पे भिंडियाँ वगैरह थी, ये देखो ये इसमें भिंडियाँ लगी भी हैं, बाकी काट दी गई हैं पूरी सारी भिंडियाँ यहाँ की, क्योंकि अब वो पेड़ ख़राब हो चुके थे, तो उसमें भिंडियाँ सही नहीं लग रही थी। और ये है धनिया यहाँ पे, ये सारी धनिया है, और वो वहाँ पे आम का पेड़ लगा हुआ है, इधर पे कुछ हल्दी के पेड़ भी, ये वाले जो हैं ये वाले पेड़ हल्दी के लगे हुए हैं। तो अब आप आगे पे देखेंगे कुछ सिनेमेटिक शॉट्स, तो दिखाते हैं, आप लोग मज़ा कीजिए। कुछ यहाँ के थोड़े बहुत शॉट्स जो मैंने आपको दिखाए, फिलहाल तो अभी हम घर चलेंगे। घर पे हमको अभी फ़ोन किया था मामा ने, हमको जाना है अभी मास्टरबाग, तो वहाँ पे देखते हैं क्या करना है, फिलहाल तो अभी चलेंगे। Por cierto,
गाइस यहाँ का काम तो कंप्लीट हो गया था, तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं, तो चलते हैं फिर घर और मिलते हैं आपसे बाद में। बाय बाय। आँख में पड़ गया। सो गाइस यार अभी मैं गाड़ी चला ही रहा था कि मेरी आँख में कुछ पड़ गया, पता नहीं क्या ही दिख रहा है। क्या नहीं दिख नहीं रहा है? देख दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लाल हो गई है लाल। चलो भी घर पे देखते हैं। हाँ चलो गाइस, मैं अभी घर आ गया हूँ और पता नहीं क्या ही मेरी आँख में पड़ गया था, कुछ दिख भी नहीं रहा था, पता नहीं क्या ही पड़ गया था, अभी तो सही है फिलहाल। तो वहाँ पे मैं गया हुआ था, तो वहाँ पे तो थोड़ा बहुत काम था, जैसे कि आज इंडिया का मैच आने वाला है, तो रिचार्ज वगैरह करवाना था, थोड़ा गाड़ी में फ्यूल वगैरह डलवाना था, तो वो सब काम करके मैं अभी घर आ गया हूँ। गलत सीन भी हो गया रास्ते में मेरी आँख के साथ। अभी रात हो चुकी है और हमको आज अभी थोड़ी बहुत मोमबत्तियाँ छत पे लगानी, मेरे हाथ में है ये कुछ थोड़ी बहुत, तो इनको भी छत पे लगाएंगे, क्योंकि आज भी थोड़ी दी मतलब कि मोमबत्तियाँ वगैरह जला देंगे छत पे, तो अच्छा लगेगा, मस्त लगाते हैं, फिर चलते हैं। तो गाइस हम अभी छत पे आ चुके हैं और हमारी मोमबत्तियाँ ये रखी हुई हैं, और हमारे पास में है माचिस में केवल एक तिली, उसको खोल के दिखाओ, इसमें केवल एक तिली है, तो इस तिली से देखते हैं कितनी मोमबत्तियाँ जल सकती हैं। तो लेट्स स्टार्ट, तुम्हारे लिए चैलेंज है। हाँ, स्टार्ट करो। लेकिन ऐसे खोलो तो एक ही जल पाएगी ना, सारी रखो ना। इतनी सारी मोमबत्तियाँ हमारी एक साथ में जल चुकी हैं, कितनी हैं? पकड़ो पकड़ो, अलग अलग पकड़ा करो, अलग अलग बुझना नहीं, बुझना नहीं। फाइनली हम लोगों का चैलेंज तो पूरा हो गया था, एक तिली से हमको जितनी भी मोमबत्तियाँ जला सकते थे जलाई थी, लगभग आठ जलाई थी, शायद आठ जल गई थी ना, आठ जल गई थी। वो तो अंशु को भी पता है, तो वो तो अभी मैच देखने चले गए सब लोग। फिलहाल मैच चालू हो गया अभी, क्योंकि टाइम हो गया है 7:40, तो मैच तो चालू हो गया है। फिलहाल अभी मैं भी मैच देखने जाऊँगा और डिनर भी करना है, बाकी डिनर में तो खिचड़ी बनी है, वो तो मैं कर लूँगा, आपको दिखाऊँगा नहीं। और आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना। हाँ अभी मैच देखेंगे, इंडिया वर्सेस वो पता नहीं दूसरी नई टीम है, उसका आ रहा मेरे को तो पता नहीं है। फिलहाल अभी मैच देखने जा रहे हैं, इंडिया तो बॉलिंग कर रही है, फिलहाल वो दूसरी टीम खेल रही है, तो अभी मैं मैच देखने जा रहा हूँ। सो गाइस आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।